तो भाई लोग क्या हाल है, खुश तो बहुत होगे तुम। आज का मैच नहीं देखा, क्या बात कर रहे हो, जल्दी वहां से हटो। तो आज के मैच के बारे में थोड़े बात कर लेते हैं। कसम से ये सीन देख के मुझे लग रहा था कि मेसी के ऊपर वही 23 साल का मेसी का भूत चढ़ गया है। खैर मैच स्मूथली तो नहीं गया, मुझे पहली बार MLS देख के नागुन जवाने पड़े, और मैं शुक्रगुजार हूँ कैलेंडर भैया का जिन्होंने मियामी को इस मैच में बचा लिया पेनल्टीज में। तो मजाक से हटके आज का मैच सबसे मजेदार मैच था FC डैलास वाले मैच को छोड़ के। तो कुछ मेसी के अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। अभी मेसी ने सिर्फ 7 मैच में इंटर मियामी को एक ट्रॉफी दे दिया। पूरा टूर्नामेंट मेसी ने कैरी किया 7 मैच में 10 गोल्स और शायद 2 असिस्ट के साथ। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और टॉप स्कोरर तो मेसी को ही मिला है, और इसके साथ साथ वो फुटबॉल के हिस्ट्री में सबसे डेकोरेटेड प्लेयर भी बन गए 44 ट्रॉफीज के साथ। उसके पहले थे डैनी अल्वेस जिनके पास 43 कैरियर ट्रॉफीज का रिकॉर्ड था, मेसी ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। मेसी ने MLS ज्वाइन करके जो हिस्ट्री क्रिएट किया ना भाई, एक पूरा दुनिया याद रखेगा। एक टीम जो अपने लीग के लास्ट में है उनको लीग कप के फाइनल में ले जाना, और वहां भी वही अकेला बंदा जिसने फर्स्ट गोल मारा था, वरना तो इस मैच में भी कोई नहीं दिख रहा था मैच जिताने वाला मेसी के अलावा। एक बात तो पक्का है भाई, अगर अमेरिका के फ्यूचर के बच्चे MLS के हिस्ट्री पढ़ेंगे उनको ये तो जरूर देखने को मिलेगा कि यूरोप और पूरे दुनिया में उस टाइम का बेस्ट प्लेयर यूरोप छोड़ के इंटर मियामी जैसे टीम में खेलने के लिए आया था, और सिर्फ 7 मैचेस में एक ऐसे टीम को ट्रॉफी भी दिला दिया जिनका ना कोई हिस्ट्री था और ना कोई US क्लब उनको डेंजरस क्लब की तरह मानता था। अभी अगला मैच शायद 24 तारीख को हमें सुबह 4:30 बजे देखने को मिलेगा। मैच को कैसे देखना है जानना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है वो देख लेना, और मेरा बकवास पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।